अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस रमज़ान मुबारक, और इंशाल्लाह रमज़ान में मैं आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज शेयर करूंगी और दुआओं में याद रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं रेसिपीज और बताऊंगी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। केएफसी स्टाइल से हम बनाएंगे फ्राइड चिकन। तो हमने लेग पीस जो लिए थे वो 14 अदद लिए हैं। इसको मैंने डीप कट लगा लिया था, तो आप ऐसे ही कट लगा लें। अदरक है मेरे पास 1 टेबल स्पून, लहसुन है मेरे पास 1 टेबल स्पून, काली मिर्च है मेरे पास 1 टेबल स्पून, साबित मिर्च है मेरे पास 1 टेबल स्पून, और नमक है मेरे पास 1 टेबल स्पून, सिरका है मेरे पास 1 टेबल स्पून, लेमन है मेरे पास 1 टेबल स्पून। दोनों चीज़ें मैंने एक में ही डाल के रख ली थी। और मैदा है मेरे पास 2 कप, कॉर्नफ्लोर है मेरे पास 1 कप, केचप चाहिएगा 4 टेबल स्पून। और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब जाएंगे ड्राई में। तो इसमें लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, काली मिर्च है 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 2 कप मैंने एक बाउल में डाल लिया है, सॉरी मैदा और कॉर्नफ्लोर भी डाल लिया है। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ये चीज़ें भी डाल के हम मिक्स कर लेंगे, नमक, काली मिर्च, हल्दी और लाल मिर्च थी। तो अच्छी तरह इन मसालों को आप मिक्स कर लें। तो अच्छी तरह हमने ये मिक्स कर लिया है। अब सेकेंड काम हमने ये करना है। तो ये सब चीज़ें हम एक बाउल के अंदर डाल लेंगे। अब 4 टेबल स्पून केचप ऐड कर देंगे। अब सिरका और लेमन ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम डाल देंगे इसमें पीसीस। मैं लेग पीस यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो दूसरा चिकन मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम सारे डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। चिकन को मैंने अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया है, और जो इसके मसाले थे उसके कट्स के अंदर भी मैंने बहुत अच्छी तरह लगाए हैं। और अगर आपके पास टाइम हो तो तकरीबन इसे 30 मिनट्स दें, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब अगला काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे ड्राई मिक्सचर में कोट करेंगे अच्छी तरह। तो अच्छी तरह हमने इसे लगा लिया है, और अब आप इसको अच्छी तरह डस्ट कर लें। क्रम्स आपको नज़र आ रहे होंगे, अभी से बनना शुरू हो गए। और सेकंड काम आपने ये करना है कि अब आपने इसको पानी में डाल देना। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और वापस फिर उसी मिक्सचर में डालेंगे। फिर आपने इसे अच्छी तरह दबा दबा के लगाना है। तो आपको नज़र आ रहे होंगे, देखें सेम आपको क्रम्स की शेप नज़र आ रही होगी। इसी तरीके से हम बाकी करेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको लगाना है। अगर कम लगा तो फिर ये सारा उतर जाना है। अच्छी तरह आप इसे दबा दबा के लगा लें एक ही बार। अब फिर पानी में डाल लें। कोट आपने इसे अच्छी तरह करना है। अगर आपने कोट अच्छी तरह ना किया तो फिर इसकी जो क्रम्स की शेप है ना वो नहीं आनी। तो इसी तरीके से हम सारे कर लेते हैं। तो सब हमने कोट कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कोट हो चुके हैं विदाउट क्रम्स और विदाउट एग। तो अब हम इन्हें करते हैं फ्राई। ऑयल मैंने गर्म कर लिया था। जब आप एक दफ़ा गर्म कर लें तो उसके बाद हीट कम करते हैं। बिल्कुल कम हीट पर आपने इसको फ्राई करना है। अब एक एक करके हम डालेंगे। साइज चेंज करते हैं इसकी। हाँ बिल्कुल आपने नॉर्मल रखनी है, वरना चिकन आपका अंदर से कच्चा रह जाएगा। जैसा कि हमारा कल पहला रोज़ा होगा तो आप इस तारी में ज़रूर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट बनाएं, पकवान पे अच्छा लगता है।
अब तैयार हो चुके हैं तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम ये भी फ्राई कर लेंगे। अभी अभी हम निकाल लेते हैं, अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं और क्रिस्पी भी हैं बहुत, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो KFC स्टाइल हमारा चिकन तैयार हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, रेसिपी को ट्राई करें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।